धर्मपुर विकास खंड की टरवाड़ ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने श्रम अधिकारी मंडी का घेराव किया, क्योंकि श्रम अधिकारी व अन्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे और मजदूरों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। श्रम अधिकारी ने श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पंचायत के 200 से अधिक मजदूरों की वॉशिंग मशीनें, सोलर लैंप, इंडक्शन हीटर, छात्रवृत्ति पर विभाग के चेक 8 महीनों से वितरित नहीं किए हैं, जिसके विरोध में मजदूर 100 किलोमीटर दूर से श्रम अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। घेराव का नेतृत्व सिट्टू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह, महासचिव उपाध्यक्ष परसराम, रविकांत गोविंद, मोहन लाल, करतार सिंह रामचंद्र आदि ने किया। सिट्टू के जिला प्रधान भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि धर्मपुर में सिट्टू व किसान सभा ने हजारों मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत किया है, जिन्हें ये सामग्री बोर्ड से स्वीकृत हुई थी, लेकिन ये श्रम अधिकारी द्वारा इसे वितरित नहीं किया गया है। सिट्टू के महासचिव ने बताया कि बोर्ड से स्वीकृत सामग्री के वितरण में हो रही राजनीति को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करेंगे और 14 सितंबर को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस बारे में श्रम मंत्री व बोर्ड को भी पत्र भेज दिया गया है और श्रमिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन जल्द नियुक्त करने की मांग भी की जाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार अभी तक 8 महीनों से बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त नहीं कर पाई है, जिस कारण मजदूरों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज यहां जो लेबर ऑफिस मंडी के कार्यालय के बाहर ये जो धरना प्रदर्शन यहां मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है, ये जो सभी मजदूर हैं वो मनरेगा में काम करने वाले हैं, जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड शिमला से पंजीकृत हुए हैं और जो उस बोर्ड की स्कीमें हैं उसके तहत इन मजदूरों को एक साल पहले विभिन्न तरह के जो लाभ है वो सैंक्शन बोर्ड से हुए हैं, जिसमें मजदूरों के लिए वॉशिंग मशीनें हैं, इंडक्शन हीटर हैं, सोलर लैंप है, साइकिलें हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए वजीफा है, शादी के लिए जो सहायता राशि मिलती है, चिकित्सा राशि है वो मिलती है। मगर ये बड़े दुख की बात है कि जब से हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार बनी है, जो हमारे श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जब से ये सरकार बनी है ये जो सामान बंटने का जो काम है इसके अंदर राजनीति की जा रही है और धर्मपुर में विशेष तौर पे वहां के जो मंत्री हैं वो इस वितरण के अंदर पूरा एक तरह से रोड़ा अटका रहे हैं। और पहला जो वितरण है वो, जैसा मैं कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, 2 मार्च को होली के दिन पहले कार्यक्रम टीरा में किया गया था, जिसमें सब मजदूरों को बुलाया गया था कि आज आपका सामान मिलेगा, मगर बाद में ये बोल दिया गया कि वो सामान आया नहीं मंडी से, ये आपको बाद में दिया जाएगा। विशेष तौर पे जो एक पंचायत है डरवाड़ पंचायत, उसमें 200 से ज्यादा मजदूरों की जो मशीनें हैं, सोलर लैंप है, इंडक्शन हीटर है, वो आज तक जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो यहाँ जिला के जो अधिकारी हैं, लेबर ऑफिसर हैं और जो श्रमिक कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने आज तक उसका वितरण नहीं किया है। जो सीटू के बैनर के तले जो मनरेगा मजदूर हैं, विशेष तौर पे जो ग्राम पंचायत डरवाड़ है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत, उसके जो मजदूर हैं आज यहाँ मंडी आए हैं, धरना दे रहे हैं और अपना सामान यहाँ से लेने के लिए उनको मजबूर किया गया है बोर्ड के द्वारा और अधिकारियों और मंत्री के द्वारा, जो जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।